वेलकम टू अनामिका स्टेवतियास किचन। जैसे कि आप जानते हैं सर्दियां आने वाली है तो लिक्विड ही गर्मा गर्म सूप पीने का बड़ा दिल करता है, तो आज हम बनाएंगे टमाटो सूप इजी वे में। चलिए टमाटो सूप बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ इंग्रेडिएंट्स। चलिए दोस्तों देखते हैं हमें क्या चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए चॉप्ड टमाटोज, उसके बाद हमें पिसा हुआ काली मिर्च, धनिया, अदरक, नमक, काला नमक एंड क्रीम। सबसे पहले हम चढ़ाएंगे कढ़ाई गैस पे, तो हम ऑन कर देते हैं। इसमें हम डालेंगे चॉप टमाटर, थोड़ा सा पानी, इन्हें थोड़ा नरम होने के लिए आप डालेंगे थोड़ा सा नमक। इसमें आपके थोड़े बड़े बड़े स्लाइसेस अदरक जाएंगे और थोड़ा सा धनिया। अब हम इसे इसके ढक्कन से ढक देंगे, इसके उबलने का और नरम होने का वेट करेंगे। अब हम देखते हैं टमाटर कितने गले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी स्किन अलग हो गई धीरे धीरे। आप इसे 2 मिनट और पकने दें, तो 2 मिनट का वेट करते हैं। चलिए देखते हैं टमाटर की क्या स्थिति है इस टाइम। टमाटर पूरी तरीके से गल चुके हैं, तो अब हम एक बाउल लेंगे और एक छलनी लेंगे और गैस बंद कर देंगे। अब इस टमाटर और सारी चीजों को हम छलनी में डालेंगे धीरे धीरे। ये थोड़ा गर्म है, थोड़ा ध्यान से करिएगा और इसका सारा प्योरे हम निकाल देंगे। ये धनिया हमने इसलिए नहीं पीसा है क्योंकि इसमें जो आपके स्टेम्स होते हैं इससे आपको ज्यादा टेस्ट आता है, और अदरक भी हम बाद में जाके यही वाला कस देंगे। देखिए हमने सारा टमाटर का पल्प निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम जो ये बचे हुए स्लाइसेस हैं अदरक के, इसको साइड में रखते हैं, ये हमारे सेकंड प्रोसेस में काम आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। जो हमने कढ़ाई ली थी उसी में ही हम दोबारा से पल्प को डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा कॉमन सॉल्ट ऐड करेंगे फॉर अ टेस्ट। अब हम लेंगे काला नमक, अब इसे थोड़ी देर उबलने के लिए छोड़ देंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें बॉयल आने स्टार्ट हो गया 1 मिनट बाद ही, लेकिन थोड़ा हम अब इसे बंद कर देंगे। इसमें उबाल आ चुका है, तो अब हम इसमें करेंगे क्रीम ऐड, इससे थोड़ा थिक हो जाएगा। अगर आप प्रेशर कुकर में इस टमाटर को उबाल दें तो इसमें इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा जो आप अलग से कढ़ाई में उबाल के करेंगे। कुछ लोग इस टमाटर के सूप को पीसने के लिए मिक्सी का प्रयोग करते हैं, लेकिन इनके पीस के कारण ये सूप कड़वा हो सकता है जो कि बहुत ही गंदा टेस्ट आएगा। इसलिए हमने इसका पल्प निकाला था छलनी में, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे इसमें उबाल आ जाएगा। इसको मिक्स करते रहे, चलाते रहे। अब आप देख सकते हैं इस पर उबाल आ चुका है अच्छी तरीके से और सारे लंप्स खत्म हो चुके हैं। तो इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, थोड़ा सा ही डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे।
सूप हमारा बन के तैयार है। अब हम इसे करेंगे बाउल में और सर्व करेंगे। हमारा सूप बन के रेडी है। अब हम इसके ऊपर एक कोरिएंडर लीफ लगाएंगे फॉर अ गार्निशिंग एंड सूप इज रेडी।